हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज शुक्ला. अल्लाह राज्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में शायद हम सभी माओं ने गूगल सर्च किया है कभी ना कभी. यस, यू आर राइट, दैट इज़ डायरिया. डायरिया हर बच्चे में कॉमन होता ही है. किसी किसी बच्चे में फ्रीक्वेंटली डायरिया का प्रॉब्लम देखा जाता है, तो कोई कोई बच्चा बहुत टाइम के बाद उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो डायरिया. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों में होता ही है, एंड हम माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है इस टाइम पे. तो दो दिन पहले डुगू को भी डायरिया का प्रॉब्लम हुआ था, बट मैंने घर पे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया एंड कुछ फूड्स आइटम्स उसकी डाइट में भी इंक्लूड किया, एंड नाउ डुगू इज़ परफेक्टली फाइन. तो वही सारी चीज़ें आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड कुछ फूड आइटम्स जो अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ है तो आप उसको अच्छे से फीड कर सकते, अगर खिलाएंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए आए हैं तो, और उसके पास में एक बेल बटन मिलेगा उसको भी हिट कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जो कि आप कह सकते हैं कि मैंने खुद इंक्लूड किया है ये टिप्स एंड ट्रिक्स. तो सबसे पहला जो है, डायरिया में बहुत ज़्यादा बच्चों में बच्चे के बॉडी से फ्लूइड्स निकल जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है और दिमाग में ये रखना है कि इंस्टेड ऑफ गिव योर बेबी सॉलिड फूड, हमें बहुत ज़्यादा उसको फ्लूइड्स देना होता है. फ्लूइड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन सॉलिड फूड्स. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ है उस टाइम पे. सो एंड सेकंड टिप्स, उसको फोर्स मत कीजिए. अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है डायरिया के टाइम पे तो उसको फोर्स मत कीजिए. हम बहुत माएँ ऐसी भी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया एंड कंटिन्यू उसका पूप हो ही जा रहा है. तो हम लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि यस, चाहे कुछ भी हो जाए उसको खिलाना ही है. लेकिन ये कंसेप्ट बहुत बड़ा फ्लॉप है, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो या तो बच्चा उसको वॉमिट कर देगा या तो फिर से उसी को पूप में ही निकल जाएगा. बच्चा उसको डाइजेस्ट करने का उसका अभी बॉडी में उतना ताकत नहीं है कि वो उतना सारा फूड हजम कर सके. तो इसलिए जितना वो खा रहा है आप उसको उतना ही खिलाए. अगर नहीं खा रहा है तो दैट्स ऑल्सो फाइन. आप उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग सॉलिड फूड उसको लिक्विड फूड्स दीजिए, तो इट विल हेल्प यू. नेक्स्ट एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि लार्जर अमाउंट ऑफ फूड्स कैन बी रियली रियली डिफ़िकल्ट फॉर योर बेबीज टू डाइजेस्ट, क्योंकि उसके बॉडी में अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का फूड उसको डाइजेस्ट कर सके. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 बिग मील्स, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे में खिलाते रहिए या हर 3 घंटे में खिलाते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि उस बेबी का फाइबर इंटेक इस टाइम पे आप थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए. जो भी आप उसको दे रहे हैं आप देखिए कि उसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो डायरिया में बहुत मदद करती है डायरिया को क्योर करने में. तो फाइबर इंटेक बच्चे का आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, इट विल रियली हेल्प यू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शायद सभी को पता है कि जिस टाइम पे बेबी को डायरिया है अगर आप उसको सॉलिड भी दे रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि वो फूड आप जो भी दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो. अगर आप उसको राइस भी दे रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से मैश करके दीजिए ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो. सो ये तो कहे टिप्स एंड ट्रिक्स. अभी मैं आपको कुछ फूड्स के बारे में या कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँगी जो आप अपने बच्चों को डायरिया के टाइम पे देंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वो भी खा लेंगे, एंड ये उसके डायरिया क्योर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. फर्स्टली,
क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे की बॉडी से इस टाइम पे फ्लूइड निकल जाता है, तो इस टाइम पे अगर आप ORS देते हैं बच्चे को, इट विल हेल्प हिम अ लॉट। अगर ORS आप खरीद के लाते हैं कोई भी मेडिकल शॉप से, इट विल गुड। अगर नहीं लाते हैं तो घर पे ही आप नमक चीनी डाल के एक पानी में उस पानी को भी आप खिला सकते हैं अपने बच्चे को। सेकेंड, फ्रूट्स में आप उसको बनाना या कोई भी फ्रेश फ्रूट्स दे सकते हैं, बट बनाना जो है वो बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट इस टाइम पे हो जाता है। बनाना का जो फाइबर इंटेक है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हेल्प करता है बच्चे के डायरिया में। थर्ड, राइस। कोई भी आप बच्चे को प्रोडक्ट दीजिए, वो राइस राइस बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप देंगे तो इट विल आल्सो हेल्प यू। एंड अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड्स ही खाता है, जो रेगुलर की चीज़ें हैं वही खाता है, तो आप उसको जो नॉर्मल राइस आप खाते हैं वही उसको दीजिए। अगर पूरे दिन में बच्चा और कुछ नहीं खाता, बस राइस ही खाता है, तो इट विल आल्सो गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर बच्चा जब नॉर्मल अप डाइट पे आ जाएगा, डायरिया क्योर हो जाएगा, तब उसका डाइट आप फिर से फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे जो भी आप उसको पसंद है वो दीजिए। थर्ड, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डिहाइड्रेशन में, तो आप कोशिश कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर पिलाने की। एंड फोर्थ इज़ उसको बहुत ज़्यादा आप अगर पानी वाटर तो दीजिए है, क्योंकि वाटर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा निकल रहा है उसके बॉडी से, तो वाटर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट, आपको उसे वाटर पानी पिलाना ही है, चाहे वो कैसी भी हो। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है या अभी भी, तो आप डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी, कि ब्रेस्ट फीड ही करते रहिए। सब अगर राइस आपका बच्चा खा रहा है तो यू कैन गिव हिम बेक्ड पोटैटो विद दैट, और बॉयल भी करके दे सकते हैं। बट कोई भी आप कुछ भी आप दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा मैश करके दीजिए। एंड पोटैटो एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टर्च होता है, एंड इस टाइप के प्रोडक्ट चीज़ें जो हैं वो डायरिया को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो यही सारी चीज़ें मैंने अपने डुगू के लिए भी ट्राई किया, एंड आई गॉट अ गुड रिजल्ट, एंड डुगू अभी बिल्कुल ठीक है, थैंक्स टू गॉड। एंड इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। अगर मिला है कोई ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ भी, एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, किस स्माइलिंग, बाय गाइस।